अक्षय कुमार पर प्रोड्यूसर्स आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? क्या अक्षय कुमार एक हिट फिल्म का फॉर्मूला बन चुके हैं? क्या अक्षय कुमार की फिल्में अच्छी नहीं हो, स्टोरी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, मसाला भी नहीं हो, फिर भी वो फिल्में पैसा कमाकर निकलती है? यही कारण है कि एक OTT प्लेटफॉर्म ने अक्षय कुमार की फिल्म को अभी से ही खरीद लिया है। जिस फिल्म की सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है और पहला पोस्टर आया है, फिल्म की शूटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, मुहूर्त भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही एक OTT प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म के राइट्स खरीद लिए हैं। और तो और, ये प्लेटफॉर्म अक्षय कुमार की इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करने जा रहा है। अब तक ये प्लेटफॉर्म वेब सीरीज को प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब फिल्मों में कदम रख रहा है और फिल्म प्रोडक्शन में सबसे पहला प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म का जो है वो अक्षय कुमार की फिल्म ही है। अमेज़ॉन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसने हाल ही में इंडिया में अपना एक ऑफिस स्टैब्लिश कर लिया है और अब बॉलीवुड फिल्मों में पैसा लगाना शुरू करेगा अमेज़ॉन। और पहला प्रोजेक्ट जिसमें अमेज़ॉन ने इन्वेस्ट किया है वो है अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु। जी हाँ, राम सेतु के लिए अमेज़ॉन ना सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन के पैसे देगा, बल्कि इस फिल्म के OTT राइट्स भी अमेज़ॉन ने ही खरीद लिए हैं। अब तक किसी भी फिल्म के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है। अमेज़ॉन फिल्में बनने के बाद उन्हें देखता था और उसके बाद डिसाइड करके, उनकी रेट करके उनके राइट्स खरीदता था। लेकिन अक्षय कुमार की ये फिल्म राम सेतु, जिसका मुहूर्त अगले वीक होने वाला है अयोध्या में, उसको अभी से ही अमेज़ॉन ने खरीद लिया है। कोविड के टाइम पर जहां बड़ी बड़ी फिल्म्स डिले हो रही है, जैसे कि करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र जो है वो डिले हो रही है और तख्त नाम का प्रोजेक्ट तो करण जौहर को बंद ही करना पड़ा है, वहीं अक्षय कुमार इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे सुपरस्टार है जिन पर प्रोड्यूसर्स पैसा बरसाने के लिए तैयार है। यानी कि अक्षय कुमार पैसा छापने की मशीन है, पैसा बनाने की चीज़ है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।